एफएम कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। आज कश्मीर को 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, परंतु साधारण जनजीवन अभी तक सही नहीं हो पाया है। लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई इंटरनेट परिसेवा नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन में निकले पदत्यागी आईएएस कन्यान गोपीनाथपुर के लोग। इन लोगों द्वारा प्रेस क्लब में एक सभा आयोजित की गई, जहां कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात हुई। काफ़ी लोग इस सभा में उपस्थित थे, जहाँ सबकी एक ही मांग थी कि आखिरकार कश्मीर में जनजीवन कब सामान्य होगा। हम लोग आज यहाँ जमायत है, यहाँ जो बच्चे खड़े हैं, बच्चों के हाथ पे क्या होना चाहिए और बेहतर जानते हैं, मगर आज कश्मीर के अंदर में 7 लाख फौज खड़ी है। 7 लाख फौज से भी उनका पेट भी भरा, 50,000 फौज और भेजी। आप 75 लाख इंसान आज गृहबंदी है, मैंने घर के अंदर में बंद पड़े हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बीमार हैं, जिनका कोई इलाज का साधन भी, कोई इंसान निकल नहीं सकता। बोल रहे आपने व्हाट्सअप ईमेल जितना है टोटल बंद है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। उसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आज 75 दिन हो गया, 75 दिन के बावजूद भी वहाँ शांति नहीं आई। हम लोग अमन का पैगाम देते हैं कि कश्मीर में शांति आए। हम लोग यहाँ से दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि कश्मीर एक भारत का अंग है, वो भारत के साथ में है। हम लोग कभी उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो भारत का अंग है। इसके बाद में कुछ दिन पहले की एक घटना आई थी कि वहाँ ये हुकूमत ने कह रहे थे कि 435 मंदिर को तोड़ा गया, ये सब बकवास है। हम मानते हो सकते 4-5 मंदिर टूटा हो, हम बोल नहीं सकते, मगर ये अफवाह फैला हुआ था है। मगर अभी हालात बहुत नाजुक है, हम लोग आशीर्वाद का दुआ करना जानते हैं कि वहाँ का खुशहाली पैदा हो, जैसे एक कश्मीर एक स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा ही बना रहे। সেখানে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা যেতে পারছে না, বাচ্চারা খেলতে যেতে পারছে না, তারা খেলনার বদলে পাচ্ছে প্লেট গানের ছড়া। তরুণ তরুণীদের বন্দি করা হচ্ছে, নেতা নেত্রীদের বন্দি করে রাখা হয়েছে, একজন আরেকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে পারছেন না। পোস্টপেড ফোন অনেকদিন পর চালু করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে SMS করা যাচ্ছে না। কোনো গণতন্ত্র বলে কিচ্ছু নেই, সেখানে ডেমোক্রেসি নেই, ডেমোক্রেসি চলছে, অটোক্রাসি চলছে। কাশ্মীরের জনগণের ভালোর জন্য হলে 75 দিন লাগলো কেন, বলেছিল আমাদের 5 দিন সময় দেওয়া হবে, 5 দিনে ঠিক করে দেবো। আজ 75 দিন হয়ে গেল। যেমন নোটবন্দির 2.5 বছর পরও শুনছি ব্যাঙ্ক উঠে যাচ্ছে, 2টো ব্যাঙ্ক উঠে গেছে ইতিমধ্যে, লোকে টাকা না পেয়ে মরছে, তেমনি কাশ্মীরের লোকও মরছে, আপেল খেতে আপেল পড়ছে, এবং নিরীহ জওয়ানদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 13-12 বছরের ওপরে কিশোরদের ঘরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, যেন ভিয়েতনাম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এর প্রতিবাদে আইএস কান্নন গোপীনাথন, সাহসী মানুষ, তিনি পদত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সারা ভারতের মানুষদের যে এই 75 দিনটাকে মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে। সেই জন্য কলকাতার আমরা সুবিধি সম্পন্ন কিছু মানুষ কালকে এই আহ্বান জানার পরে আজকে তড়িঘড়ি এই সভার আয়োজন করেছি।